दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य मुद्दा रहेगा ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। तो वो इसी के बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले कि क्या फैसला हुआ है, प्रदर्शन अभी चल रहे हैं तो उनका क्या अभी फैसला नतीजा हो निकला है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी से शुरुआत करते हैं कि NSUI का यहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में यहाँ पर विद्या परिषद की कार्य परिषद में परीक्षा पर चर्चा हुआ है, लेकिन जो ये कार्य परिषद की बैठक मेन मुद्दा इसका बजट था, इसके वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन पर निर्णय नहीं हुआ। तो फिर NSUI ने क्या किया, यहाँ पर मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात की है अपने ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर। तो यहाँ पर जो है कार्य परिषद में भी चर्चा हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री से देखिए यहाँ पर रविशंकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराने की मांग को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के बाद NSUI प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर मुलाकात भी की। CM से मिलकर लौटे अमित शर्मा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन परीक्षा की मांगों पर सकारात्मक रूप दिखाया है तथा 2 दिनों में यहाँ पे निर्णय का आश्वासन दिया है। तो कल परसों तक ये क्लियर हो जाएगा कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, 2 दिनों में ये नोटिस आ जाएगा और आपको इस चैनल पर मैं बताऊंगा कि ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो 2 दिनों में यहाँ पर फैसला आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सकारात्मक रूप दिखाया है, कहा है कि जो भी फैसला आएगा छात्र हित के को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और आप लोग धैर्य बना के रखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने तक छात्रों से धैर्य बनाकर रखने की यहाँ पर गुजारिश की है हमारे CM भूपेश बघेल जी ने, और 2 दिन में इसका निर्णय आ जाएगा। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जूकी यूनिवर्सिटी परीक्षा अब ऑनलाइन होगी। तो ये रायगढ़ की बात चल रही है, तो NSUI के छात्रों ने 3 दिन के आंदोलन के बाद अटल यूनिवर्सिटी के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन कराने का नोटिस जारी किया है। KG कॉलेज रायगढ़ के छात्र 3 दिन से ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर आंदोलन कर रहे थे, कुछ भूख हड़ताल भी कर रहे थे। आंदोलन के दौरान शुक्रवार को 12 बजे करीब छात्र करण वैष्णव बेहोश हो गया। जानकारी मिलते NSUI के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के कार्य में जाकर हंगामा और नारेबाजी की। NSUI जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने बताया कि छात्र गर्मी के बावजूद कड़ी धूप में आंदोलन कर रहे थे, वाइस चांसलर इसकी अनदेखी कर रहे थे। इनमें से एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, नौबत यहां आ गई कि वहां बेहोश हो गया। वाइस चांसलर ने स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम का आश्वासन दिया, इसके बाद ही सभी आंदोलन को समाप्त कर यहां पर वापस लौटे। तो ऑनलाइन परीक्षा की मांग को पूरा करते हुए यूनिवर्सिटी ने पत्र जारी किया है, इसके अनुसार 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट का एडमिट कार्ड रविवार को यानी कि आज विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसके डाउनलोड करने में किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो ये नंबर है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5वें सेमेस्टर का अंतिम वर्ष के छात्र यहाँ पर 2.5 घंटे तक धरने पे बैठे थे, अपनी बात मनवा ली है। तो अब 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट का यहाँ पर जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा अब अगले आने वाले जो टाइम टेबल है उसके अनुसार से। तो अगली खबर यहाँ पर और देखते हैं कि रायगढ़ से ही तो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की परीक्षा अटल यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के अनुसार ही होगी, यानी दोनों की एग्जाम साथ साथ होगी। इस वर्ष जांजगीर और रायगढ़ के कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा अटल विश्वविद्यालय कराएगा। PG और अंडर ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे की परीक्षा SNPU ही कराएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर ने शुक्रवार को कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक ली, निर्णय हुआ कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं 19 अप्रैल से शुरू की जाएगी, परीक्षाएं जून तक चलेगी। दोनों विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी की है, फिलहाल अभी ऑफलाइन एग्जाम को लेकर राज्य सरकार से भी एक आदेश जारी होना है, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं 19 अप्रैल से चालू होगी। तो जो राज्य सरकार से भूपेश बघेल जी ने आश्वासन दे दिया है ऑनलाइन एग्जाम होगा करके, तो अभी 2 दिनों में निर्णय इसका आ जाएगा, फिर सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो बस्तर से है, तो बस्तर यूनिवर्सिटी को लेकर ये खबर है। तो
बैठक में यहाँ पर प्राचार्यों की एक बैठक हुई है। तो बैठक में स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान बिठाने को लेकर कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुआ। इस दौरान बस्तर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कांकर, जगदलपुर सहित अन्य सभी जिलों के बड़े कॉलेजों के प्राचार्यों ने यूनिवर्सिटी को जानकारी दी कि जितने छात्रों ने आवेदन भरे उन सभी छात्रों को बिठाकर परीक्षा देने की व्यवस्था कॉलेज में ही कर ली गई है और उन्हें सब सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो कोंडा गांव के कॉलेज के प्राचार्य ने ही सब सेंटर के तौर पर एक स्कूल में परीक्षा आयोजित करने की जानकारी दी है। तो ये था आज की डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।